लेह लद्दाख जाने का मामला झारखंड सरकार के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों दुमका में बीआरओ द्वारा सड़क निर्माण के लिए करीब 11,800 संथाल परगना से मजदूरों को लेह लद्दाख और उत्तरांचल ले जाने को राज्य सरकार द्वारा आदेश को रद्द करने का मामला सामने आया था। बाद में जब इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता हुई तो मुख्यमंत्री ने मजदूरों के जाने का रास्ता क्लियर कर दिया। इससे पूर्व दिए निर्देश और जिला प्रशासन के अलावे सरकार के श्रम मंत्री द्वारा रद्द किए जाने का मामला सामने आया था। जरा आप भी देख लीजिए और उन्हीं कैबिनेट के श्रम मंत्री और सीएम का बयान भी सुनिए। सरकार का है कि पलायन को रोकना है, सभी को ही झारखंड में रोजगार से उपलब्ध कराया जाएगा और अभी जब तक समान स्थिति देश और प्रदेश का नहीं होता है तब तक कोई मजदूर भी बाहर नहीं जाएगा। अभी तो जो हालात है, अभी सब प्रवासी मजदूर को हम लोग ट्रेन से बाय प्लेन से ला रहे हैं, रख रहे हैं, अभी तत्काल रोक है। और लद्दाख जैसे, लेह जैसे और सीमावर्ती जैसे जो दो देशों के बीच की जो सीमा है उन जगहों पर काम करने के लिए निश्चित रूप से कई पाबंदियां, कई उसमें कड़े कानून होते हैं, डिफेंस एरिया होता है, तो उन सब जगह पर जब मजदूर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास इसका लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम अपने उन मजदूरों को मदद पहुंचा सके और उनको सुरक्षित रख सके। इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि अब जहां से जो भी प्रवासी मजदूर या मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में अगर जाएंगे भी तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप ही वो आगे जाएं और ताकि राज्य सरकार उनके। आपको यह भी बताते चलें कि दुमका में प्रवासी मजदूरों को लेह लद्दाख और उत्तरांचल की ओर ले जाने की खबर को लेकर दुमका जिला के मजदूरों ने भी इसका विरोध किया है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में पहले लेह में फंसे मजदूरों को वापस भेजे, फिर सरकार यहां के मजदूरों को ले जाने की सोचे। इस विरोध के बाद श्रम मंत्री भी अपने बयान में आदेश रद्द होने की बात स्वीकार करते हुए प्रवासी मजदूरों को सम्मान देकर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन वर्तमान में झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने किसी भी ऐसी बात होने से इनकार कर दिया। जरा गौर से सुनिए इनके बयानों को। जिस इलाके से है सब अपने अपने घर आएंगे, अभी तक ये बात हुई है और यहाँ से लेबर ले जाने वाली जो बात है ये बात जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट झारखंड सरकार का नहीं आ जाता और दुमका उपायुक्त का नहीं आ जाता है तब तक ये स्थगित ही रहेगा और लेबर ले जाने की बातों का हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं। अभी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता। उससे हम सब लड़का सब गया है कश्मीर 93 में, मैंने वो लोग का तो बॉन्ड पूरा हो गया लेकिन सीओ उसी वहाँ का उसी बोल रहा है गाड़ी नहीं दे रहा है तो कैसे आइएगा लड़का सब। यही कोरोना चलते में बहुत लड़का दौर खता है वहाँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हमको कई राज्यों से लेटर आया था उनको परमिशन देने के लिए कि वो लेबर का रिक्रूटमेंट करें। ये ट्रेडिशनली इन जिलाओं से संथाल परगना से लेबर जाते हैं वहाँ रोड का और कंस्ट्रक्शन का कार्य के लिए, लेकिन इस बार लॉकडाउन रहने के कारण उनको जिला प्रशासन से अनुमति लेने के लिए लेटर भेजे हैं और उसमें ये भी सूचना था कि गृह मंत्रालय के द्वारा उनको ले जाने के लिए ट्रेनों का प्रबंधन किया जाएगा। तो जिला प्रशासन के द्वारा हमने यही अनुमति दिया था कि यदि गृह मंत्रालय से उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन की व्यवस्था रहेगा तो वो अपने कार्य कर सकते हैं। उसी बीच राज्य सरकार के द्वारा उनसे कुछ क्वेरीज किए गए हैं विथ रिगार्ड टू कैसे उनका सिलेक्शन होगा, उनका कितना वहाँ पे मानदेय होगा, उनका वर्किंग कंडीशंस कैसे होंगे और नॉर्मल सिचुएशन किस तरीके से उनका वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ रहेगा। इस तरीके से कुछ बिंदुओं पे राज्य सरकार के श्रम विभाग के द्वारा लेटर दिया गया है और जब तक इसका जवाब नहीं दिया जाएगा बीआरओ की तरफ से तब तक
उनकी जो ये नियुक्ति का कार्य हो रहे हैं उसमें हम लोग अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा अनुमति दिया जाएगा ये लेबरर्स को यहाँ से ले जा सकते हैं।